नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अंदरूनी इलाके के खिलाड़ियों की फुटबॉल प्रतिभा को निखारने व खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे ले जाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत छोटे डोंगर द्वारा स्थानीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें मंगलवार को छोटे डोंगर फुटबॉल मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय सरपंच हरिराम मांझी, जिला पंचायत सदस्य भागेश्वरी मांझी, पटेल दीपक बेलसरिया, पुजारी लखनाम बेलसरिया व अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में खेल का शुभारंभ किया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए सागर साहू ने बताया कि इस प्रतियोगिता में छोटे डोंगर सहित अंदरूनी इलाके की 24 टीमों के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का जौहर दिखाने के लिए मैदान पर उतर रही हैं। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 10,000 रुपये नगद व उपविजेता टीम को 7,000 रुपये नगद, साथ ही कई व्यक्तिगत आकर्षक पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच कौशलनार और दुर्गा डोगरी के मध्य खेला गया, जिसमें दुर्गा डोगरी की टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच 1-0 से जीत लिया। वहीं प्रतियोगिता का दूसरा मैच मजदूर संघ और राजपुर के मध्य खेला गया, जिसमें राजपुर की टीम 2-0 से विजय हुई। इस दौरान छोटे डोंगर फुटबॉल मैदान में बड़ी संख्या में दर्शक व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। नारायणपुर छोटे डोंगर से संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। हम जानना चाहूँगा और आप कौन सी टीम से खेल रहे थे आज? मेरा नाम मनीष कुमार पयाम है, मैं अपना उर्सठ ए टीम से खेल रहा हूँ। तो आज आपकी टीम जीती है 1 गोल से, और एकमात्र गोल हुआ है वो भी आपने किया था, गोल करके आपको कैसा लग रहा है? वाकई अच्छा लग रहा है। और छोटे डोंगर में जो फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, वहाँ छोटे डोंगर में खेल के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब हम लोग भी बहुत दूर से आए तो खेले और फाइनल उठाए तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे दर्शक इतने संख्या में आते हैं, खेल के आपको कैसा लगता है दर्शकों के बीच में? बहुत अच्छा लगता है। टीम के एफर्ट के बारे में बताइए, टीम जो एफर्ट की है फाइनल तक पहुँची है। सबने अच्छा मेहनत किया, बिना मतलब टीम वर्क के बिना तो कुछ होता नहीं, सबने बढ़िया मेहनत किया। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।